बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, युवा सेलेक्टेड में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये पुराने मॉडल का जो कार्ड है, इस पे इससे कैसे आपको पता चलेगा कि ये सिंगल बैटरी का है या डबल बैटरी का है, आज मैं इस वीडियो में आपको यही बात बताने आया हूँ और यही बात समझाने आया हूँ। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसी वीडियो के नीचे रेड बटन सब्सक्राइब का उसको प्रेस कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा हासिल करें। तो दोस्तों, दूसरे जो न्यू मॉडल के कार्ड हैं, वो तो मैंने आपको समझाया था एक वीडियो में कि यहाँ पे एक ट्रायक लगा होता है, एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। अगर तो वो दो लगे हैं तो इसका मतलब है कि वो डबल बैटरी का है, और अगर एक लगा है तो वो सिंगल बैटरी का कार्ड होता है। ये तो नए मॉडल के कार्ड की पहचान है। तो अब आप ये पुराने मॉडल के कार्ड की पहचान किस तरह कर सकते हैं कि ये जो है वो सिंगल बैटरी का है या डबल बैटरी का है, 12 वोल्ट ऑपरेटेड है या 24 वोल्ट ऑपरेटेड है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बल्कि मेरे साथ भी हुआ है कि कस्टमर UPS लेके आता है और उसको खुद भी नहीं इलम होता कि यार ये सिंगल बैटरी का है या डबल बैटरी का है, वो चेक करवाने के लिए लाता है। और आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि ये सिंगल बैटरी का है या डबल बैटरी का है, ताकि आप अपने कस्टमर को, आप अपने क्लाइंट को जो है वो गाइड कर सकें। तो दोस्तों, उसके लिए आप ये सबसे पहले पुराने वाला कार्ड देखें। इसके ऊपर कोई भी, ये आप देख सकते हैं, D313 का कोई भी जो ट्रांजिस्टर है वो नहीं लगा हुआ, ना BTA16 का लगा हुआ है, ना D313 का लगा हुआ है। यह सिर्फ 7805 का एक लगा हुआ है, जो कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और 5 वोल्ट जो है वो इसलिए कन्वर्ट किए जाते हैं कि ये LEDs या फिर ये दूसरी जो IC वगैरह हैं, इनको ऑपरेट करवाने के लिए। तो दोस्तों, इसमें ना तो BTA16 लगा हुआ है और ना D313 लगा हुआ है। तो अगर इसमें BTA16 जो है वो, याद रखिएगा, इस कार्ड में बिल्कुल भी नहीं लगा होता, और D313 किसी किसी कार्ड में लगा होता है। अब दोस्तों, इस कार्ड की पहचान आपने इस तरह से करनी है कि अगर इसमें दोनों ही ना लगे हों, ना ही BTA16 लगा हो और ना ही D313 लगा हो, तो इसका मतलब है कि ये सिंगल बैटरी का है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि BTA16 जो है वो इसमें लगा ही नहीं होता, अगर D313 लगा हुआ हो तो ये डबल बैटरी का होगा, अगर ये ना लगा हुआ हो तो ये सिंगल बैटरी का है। यानी कि आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊँ तो वो ये कि अगर इसमें कोई भी ट्रांजिस्टर ना लगा हो तो ये सिंगल बैटरी का है, और अगर ये 7805 के साथ D313 लगा हो तो ये डबल बैटरी का कार्ड है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस कार्ड के, पुराने मॉडल के कार्ड की भी आपको पहचान हो गई होगी। तो कैसी लगी है आपको ये इन्फॉर्मेशन, लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबको अपने रखे, आमीन।